नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दिन भर। मैं आपके साथ औरंगजेब किस्मत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल देवाशीष घटक को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। अंजहानी देवाशीष घटक की 16वीं बरसी पर मंगल को देवाशीष घटक फाउंडेशन के जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इसका आगाज प्रभात फेरी से हुआ, जिसमें INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक के क्यादत में हजारों लोगों ने शिरकत की। दिल्ली डंगाल और आसपास के इलाकों का चक्कर लगाने के बाद प्रभात फेरी देवाशीष घटक के मजस्मे के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ आसनसोल कारपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, एयर काउंसिल मेंबर गुरुदास चटर्जी, इंद्रानी मिश्रा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने मजस्मे पे फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। सुरधम सभा कार किया गया। इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। खुदा हेल्थ केयर के जानिब से चेकअप कैंप लगाया गया। जांच के बाद दवा भी दी गई। इस मौके पर साउथ स्टेशन इंचार्ज कौशिक कुंडू, पिंटू कर्माकर, शाहीन इकबाल, बुकोनेन, मनोज राजक समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। यहां भी ठंड को मद्देनजर रखते हुए बड़ी तादाद में कंबल वितरण का प्रोग्राम चला। आसनसोल अदालत ने TMC लीडर शिव ठाकुर मंडल की तरफ से दायर मुकदमे में TMC के बीरभूम जिला सदर अनुब्रत मंडल को मंगल के दिन दुबराजपुर कोर्ट ले जाया गया। इस केस में जज ने इसे जमानत दे दी। इसे 2000 रूपए की और जमानत दी गई। इस की अगली सुनवाई 1 जनवरी को है, लिहाजा अनुब्रत मंडल को जमानत मिलने के बाद प्यास आराइया जोर पकड़ गई है। क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्ट चोरियत ने गांव तस्करी मामले में दिल्ली ले जाएगी। बर्दवान के नवा बिहार मोड़ पे मंगल की सुबह सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक मरने वाले की शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक मुतफिक की शनाख्त के लिए कोशिश की जा रही है। इसी दौरान हादसे के बाद इलाके के लोग मुश्तैल हो गए, ट्रैफिक निजाम में तोड़ फोड़ की। इसी के साथ कई बाइकों को तोड़ा गया, साथ ही साथ ट्रैफिक अहलकारों को मारा पीटा गया। इस हादसे से पूरे इलाके में शदीद कसीदगी देखने को मिल रही है। तृणमूल जिला के सदर विपुल ओझा तृणमूल छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। साथ ही साथ उन्होंने तृणमूल के टिकट पर जीतने वाले बीरभूम जिला परिषद के रुकन के अहदे से भी इस्तीफा दे दिया। विपुल ओझा ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलीदगी का ऐलान किया। জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সেই গ্রামে প্রায় 50 জন পরিবার, 85টি পরিবার আজকে যোগদান করতে চান। তারা এসেছেন 50 জনকে তোলা যাবে না, আমরা 5 জনকে তুলছি। তার মধ্যে একজন শহীদ পরিবারও আছে, তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। হেলিম শেখ তিনি আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। ফটিক শেখ ফটিক।
के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पे। आप देखते रहें न्यूज़ दिन भर।